और जब यहाँ आई तो देखो भूरी हो गई। आराम से आराम से आराम से आराम से ये नहीं तो नजर हटी दुर्घटना घटी। तो मतलब इस ऑटो पे पूरा पूरा अधिकार मेरा है। मैंने अचानक से देखा यहाँ पे पूरा तार तार बिछा हुआ है, चारों तरफ वायर है। और अभी मुझे खबर हुआ कि सीसीटीवी में कुछ चेंज हो रहा है, क्योंकि वो सीसीटीवी ना शायद थोड़ा सा पुराना हो गया है। तो अभी यही हो रहा है। यहाँ पे देखो दो सीसीटीवी निकल चुका है। ये है पुराना वाला जो यहाँ पे अभी लगा हुआ था। देखो ये है बड़ा साइज का। किसी को अंदर भनक भी नहीं है कि सब कुछ हो रहा है बाहर में इतना सारा पूरा। अच्छा दो कैमरा चेंज होगा या और भी? दो ही चेंज होगा तो फिलहाल। अच्छा तो मेन गेट का कैमरा चेंज होने वाला है। और ये क्या है? पूरा पानी बरस गया। इसमें बारिश का पानी है। बहुत भारी भी होगा क्योंकि पानी है ना इसमें भरा हुआ। चलना है क्या ऊपर? हाँ चलो चलो। हम लोग ऊपर पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से ज्यादा क्लियर दिखने वाला है कि आखिर हो क्या रहा है। अब हम लोग एक एक सीसीटीवी का तार जो है वो आपस में कैसे जुड़ता है प्लस माइनस वो देख पाएंगे। जैसे कि आप लोग जेसीबी की खुदाई देखने के लिए पूरा गांव उठ के चले जाते हैं, वैसे हम दोनों भाई जा रहे हैं सीसीटीवी की जुड़ाई देखने। आ जाओ भाई। हाँ हाँ तुम भी आ जाओ, तुम्हारी कमी थी, एक और को लेके आ जाओ। आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। क्या हुआ? इसका पन्नी उखाड़ना है भैया। उखाड़ना? वाह क्या चमक है इसके। इस साइज का हमारे यहाँ और भी है ना शायद अंदर में लगा हुआ। कहाँ है भाई? लेकिन लेके आए थे। ओए प्यार इधर आओ इधर आओ इधर आए खड़े हो तो पहले। नहीं 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 अभी तुम हिले ना थोड़ा सा एक सेकंड के लिए, हमको लगा पैर हुआ। लेकिन ये साइज का पहले लेके आए थे वो लगाया या नहीं याद नहीं है, लेकिन वो लेके तो आए थे। कौन? अरे नहीं 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 वो एक मेगा पिक्सल कैमरा था वो, इससे पहले जब सीसीटीवी लग रहा था उस टाइम की बात कर रहे हो ना? हाँ उस टाइम पे ना एक और बड़ा सा कैमरा लेके आए थे, एक मेगा पिक्सल का था वो बड़ा। ये कितना मेगापिक्सल है? ये 2 मेगापिक्सल है। ये आईपी कैमरा है, वो आईपी नहीं था, एनालॉग कैमरा था वो। एनालॉग का वैसे भी क्वालिटी बहुत ख़राब होता है, कमेंट में बताना एनालॉग कैमरा, क्योंकि शिवम को नहीं पता है, इसको नॉलेज दे दो एनालॉग के बारे में। मुझे सीसीटीवी का ज्ञान नहीं है यार। तो अभी ना हमारा प्लान था बाहर जाने का, और प्लान अभी भी है, लेकिन बस प्लान में बदलाव ये है कि मैं नहीं जा रहा हूँ। मैंने कपड़ा वगैरह देखो पूरा पहन लिया है, उसके बावजूद भी मेरा जाने का एकदम दिल नहीं कर रहा है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। क्या बात कर रहे हो? एयरपोर्ट नहीं दूंगा, सॉरी। क्यों नहीं दूंगा? हैं आधा अधूरा तुम्हारा तो, ये बाल मत पकड़ो। जो भी नुकसान हुआ था वो तो आधा यूज होने के बाद। नहीं मैं एयरपोर्ट अब नहीं दे सकता, माफ करो, सीरियसली बोल रहा हूं। ज्यादा मैंने जाहिल लड़का तो अपने जीवन में नहीं देखा। पुराना इसका घूम कर आया, इसने नया लिया, अब नया वाला भी नहीं दे रहा है यूज करने को। क्यों दूं? मैंने बोला था एक बार की दे दूंगा, लेकिन मैं दे नहीं सकता। इतना पैसा जो लेके रखे हो ना कहीं नहीं जाएगा तुम्हारा। कोई बात नहीं, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? देखो देखो गाड़ी निकल चुका है, अब गाड़ी में बैठ के ये दोनों रवाना होने वाली है। इतना गंदा गाड़ी है, इस गाड़ी में जाओगे तुम लोग? जा पूजा साफ करो उसके बाद जाना पहले। अभी गाड़ी में बैठो ना तब हवा निकलेगा। तुम दोनों में से आज कोई एक तो आगे बैठने वाला है। हाँ वो तुम्ही होगी, क्योंकि गिन्नी को प्रॉब्लम नहीं होता है, गाड़ी से तुमको होता है। एक बार गाड़ी को अच्छे से देखो भाई, कितना गंदा है, पूरा गंदा है। अरे बहुत पहले से है वो, बहुत नया दिख रहा है क्या तुमको? बहुत पहले से टूटा हुआ है, अभी तो किसी ने चिपका दिया शायद इसको, अब एज हो गया ना गाड़ी का, इसलिए तो नया गाड़ी लेंगे हम लोग। मैं जल्दी जल्दी नहाया था, कपड़ा पहना था कि जाएंगे यहाँ से नीचे से ऊपर तक देखो, लेकिन अभी नहीं जा रहे हैं। मैं एकदम तैयार हूँ। शिवम पूरा तैयार है भाई, लेकिन मैं जाऊँगा नहीं। गिन्नी को गिन्नी की फ्रेंड मिल गई बचपन की। गिन्नी जब स्कूल जाती थी ना तो ये चाची गिन्नी को रोज एक रोटी जो है टिफिन में पैक करके देती थी। गिन्नी का गरीबी हालत जब चलता था। क्या उल्टा पुल्टा बात बोल रहा है, सब झूठ बोल रहा है। तेरा शकल देख रहा हूँ बोलते हुए। हमारी प्यारी गैया को देखो यहाँ पे तेल लगाया जा रहा है। लक्ष्मी गाय आई थी राजस्थान से ना, और जब आई थी तो पूरी काली थी, उन लोगों ने पेंट करके और दिया था हमें, मतलब कुछ लगा के काली वगैरह, और थोड़ा ज्यादा प्राइस में इसको लिया गया था क्योंकि ये पूरी की पूरी काली थी, और जब यहाँ आई तो देखो भूरी हो गई। साफ होते नहीं भूरा है, भूरा है, पापा एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं इस बात को, लेकिन वो भूरा है। काली गाय याद आ गई हमारे घर में ना, जब जो तुमको गैया उठा के मारी थी, तुम छोटे थे, उठा के फेंक दी तुमको गैया, वो काली ही थी, बहुत मारने वाली थी। बहुत साल 15 साल पहले की बात है। ये भी जा रहे हैं ना, लो केबल लो, जाओ सेफली। आज 3 लोग जा रहे हैं भाई, नहीं मतलब 4 लोग जा रहे हैं ड्राइवर साहब को इंक्लूड करके। ये भी जा रहे हैं,
आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये दो जा रहे हैं और हम दो नहीं जा रहे हैं। अभी ये चढ़ते चढ़ते इन्होंने एक बात बताया। क्या बात? इन्होंने बोला क्या कि गिन्नी को बोला कि तुम उधर के साइड जाके बैठो, मतलब ड्राइवर के पीछे वाले साइड। मैंने बोला क्यों? गिन्नी ने बोला क्यों? तो उन्होंने बोला क्या कि देखो ड्राइवर जो है कभी भी कहीं पे भी कुछ भी लफड़ा होता है तो ड्राइवर जो है अपना एरिया बचा लेता है। तो इन्होंने बोला टाटा, इन्होंने बोला कि मालिक को सेफ रखना हमारा काम है। ये देखो भैया कहाँ चढ़े हुए हैं। भैया नजर मत हटाइए, नहीं तो नजर हटी दुर्घटना घटी। कहाँ कहाँ लगने वाला है और कहाँ क्या क्या बदलाव होने वाला है? नहीं, दो ही मेगापिक्सल, आपको 5 मेगापिक्सल बोले थे। मतलब कैमरा एक्स्ट्रा नहीं लग रहा है ना कुछ? नहीं नहीं, एक्स्ट्रा कैमरा नहीं लग रहा है। देखो भैया वहाँ पे तो वो हट रहा है क्या वहाँ से? तो वो वाला हट रहा है क्या वहाँ से? कौन सा? वो वाला? हाँ, उसका एंगल चेंज कर रहे हैं, ज्यादा कैप्चर करेगा। भाई अब देखने वाली बात ये है कि एंगल चेंज करने के बाद ये ज़्यादा कैप्चर कर पाता है या नहीं। चलो यहाँ से चलते हैं। भाई मकरी देखो यहाँ पे, ये देखो, ये देखो। तो ये जो बांस देख रहे हो ना, इसी बांस के ऊपर कैमरा फिट होने वाला है और कैमरा हाइट पे जाने वाला है ताकि सब कुछ कैप्चर हो सके। अब भाई इस लड़के का दिमाग कहाँ कहाँ जा रहा है, कहाँ कहाँ नहीं, वही देखने की बात है। यहाँ पे कौन सा कैमरा है? अच्छा, ये शायद पुराना वाला कैमरा है। ये कहीं तो लगा हुआ था जिसको अभी निकाल दिया जा चुका है। और ये देखो भाई धूल गंदगी से कैसा हो चुका है ये। एक, दो और भी 3-4 है इधर उधर रखा हुआ है कहीं। तो आज मुझे ऐसा लगता है कि आज पहली बार ऐसा हुआ है कि हम दोनों घर पे हैं, उसके बावजूद भी उन दोनों को मतलब हमारे बिना जाना पड़ा। मतलब वैसे लोग हैं, दो लोग हैं, एक तो जो साथ में गए हैं उनको देखा आपने, और दूसरे हैं हमारे ड्राइवर, मतलब फिर भी 4 लोग हैं, लेकिन हम दोनों नहीं हैं। तो ऐसा मुझे जहाँ तक लग रहा है पहली बार है। नहीं तो अगर आपको कुछ ऐसा सिचुएशन याद है कि ऐसा इससे पहले भी कभी हुआ है तो आप कमेंट कर बताना, नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पहली बार है। तो आज काम करने के लिए भी कोई नहीं है, मतलब एक ही अकेले हैं। तो मैं ऐसे इसको घुमाने वाला हूँ और वो उधर से लगाने वाले हैं। हाँ, उधर से तो घास एक बार पकड़ लेगा, उसके बाद छोड़ दूंगा और उसके बाद ये खुद करेंगे ऐसे ऐसे। यार ये तो मेरे बस का ही नहीं है, ये तो बोनो के साइज़ का है, ये तो मेरे से हो ही नहीं रहा, पूरा झुकना पड़ रहा है देखो। तो ये अकेले काटना ना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि एक तो इसका हाइट कम है और दूसरा बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा है। हाइट की वजह से प्रेशर नहीं लग रहा ना जैसे पहले लगता था। इतना कम हाइट क्यों बनाया गया है इसका यार? अरे हाइट कम नहीं है, इसको लगाया तो सही गया था, इधर मिट्टी डलवा के ऊंचा कर दिया गया है ना गाय की वजह से। अच्छा, मुझे लगा कि इसको लगाया ही गया है एक बंदे के प्रॉपर हाइट के लिए। नहीं 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 नहीं, अभी नीचे में ये इतना लंबा है भाई। अच्छा हाँ, मिट्टी डलवा दिया ना हम लोगों ने, ये सब मिट्टी आप देख रहे हो, ये हमने एक्स्ट्रा डलवा के और हाइट दिया है पूरे कैंपस में। तुम भूल रहे हो शायद, हॉस्टल जाने से पहले तुम लोगों के हाँ ये सब खेत था। हाँ हाँ मुझे याद है, ये सब खेत था, उसके बाद ये सब गाय रखने के लिए इतना खोल दिया ना, तो फिर ये सारा सीमेंटेड हो गया। ये जितना भी आप कैबेज देख रहे हो ना, इसका ना आज आखिरी वक्त था, लेकिन देखो फिर भी बच चुका है, क्योंकि यहाँ पे एकदम जो हमारा यूटू है ना वो चढ़ के पूरा ख़राब कर दिया था। ये वाला शायद टूट चुका है, बाकी का तो पता नहीं, एक तो ये टूटा है और बाकी ये वाला भी थोड़ा सा डैमेज हुआ है। यहाँ पे पूरा एकदम कूदने लग गया था यूटू और उसको पकड़ा था इस लड़के ने, और इस गाय के चलते वो भड़का था। हाँ, और इसका पूरा पैर भी कुचल दिया है। ये देखो फूला हुआ है ये एरिया, इस एरिया से दूर रखना यार, क्योंकि हमारे यहाँ तो वैसे भी सब्जी कम उगता है, अब इतना कम है ऊपर से ये भी नहीं रहेगा। तो अभी तो वो लोग हैं नहीं, वो जा चुके हैं पटना। तो अभी थोड़ा सा चलते हैं घर के अंदर, दोबारा आपसे मिलते हैं। उम्मीद करते हैं कि वो लोग जल्दी आ जाएंगे, और नहीं आए तो बाकी के वीडियो में आपको हम बस दो नज़र आने वाले हैं और बाकी कोई कोई अलग लोग। तो अभी मैं हूँ कमरे में और मुझे आप लोगों को एक बात बोलना है। अगर आप लोग स्नैपचैट पे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये देखो स्नैपचैट, यहाँ से खोलोगे तो ये है, बाकी बैक करो फिर पब्लिक प्रोफाइल पे जाओ। ये है मेरा पब्लिक प्रोफाइल, देखो इसको आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है? मेरा ना 2500 फॉलोअर है अभी, 2518। ये वीडियो डालने के बाद देखते हैं कि आप में से कितने लोग सब्सक्राइब करते हो, ठीक है? अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है आपको ढूंढने में तो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐसे लिंक तो डाल ही दूंगा, और उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, फिर आप लोग फॉलो कर लेना। बाकी स्नैपचैट पे भी आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे बहुत अलग अलग, तो सब्सक्राइब कर लेना, और उस पे ऑलरेडी वीडियोस हैं बहुत सारी तो वो भी देख लेना, और बाकी नए वीडियोस का भी वेट करना। चलो खोलो खोलो, अनबॉक्स करो। हमारे लिए एक तोहफा आया है, इसके अंदर एक लेटर भी था, वो लेटर पता नहीं पूजा ने कहाँ निकाल के इधर उधर कर दिया यार, तो लेटर तो नहीं है, लेकिन ये इसके अंदर जो गिफ्ट है ना वो जर्मनी से भेजा है किसी ने, एक्चुअली वो रहने वाले जर्मनी के हैं, ये इंडियन माल है वैसे,
अमेजोन से ऑर्डर किया था उन्होंने। अभी मैं खोल के दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या है। तो इसके अंदर क्या है मैं अभी खोलता हूँ। वैसे क्या लगता है क्या हो सकता है? मुझे पता है, मैंने पहले भी देख लिया है। कितना चॉकलेट है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल 6 चॉकलेट है। और मैं ना आपसे बात कर लूँगा, आपने अपना नंबर वगैरह भी दिया था उस पर। ये सुबह में ही आया था, मैंने खोल के देखा था, फिर मैं वीडियो में ऐड करना भूल गया। अब मैंने इसको पूजा को भी दिखा दिया था, तो पूजा ने लेटर पता नहीं कहाँ रख दिया यार। उस लेटर के ऊपर लिखा हुआ था कुछ विद पांडे, पांडे फैमिली करके ऐसा कुछ था। तो आपको मैं कॉल करूँगा। अरे लिखा क्या था? जो भी लिखा होगा प्यारे लिखा होगा, गाली थोड़ी ना लिखा होगा। तो आपका दिल से धन्यवाद ये चॉकलेट भेजने के लिए। मैं अभी जा रहा हूँ इसको खाने के लिए। तो ये देखो मैंने चॉकलेट खोल लिया भाई, मेरा फेवरेट डेरी मिल्क सिल्क ओरियो। देखो ऊपर सीसीटीवी लग चुका है, और ऊपर से जब नीचे देखोगे ऐसे देखो तो ये बांस में ऐसे बांध के और जुगाड़ किया गया है। मैंने इतना कुछ अतरंगी सा चीज देखा है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले तो आप ये देखो, इसमें हम लोग अगर प्लाई ना लगा के ईंट लगवा देते तो क्या होता? तो सबसे पहली गलती तो ये है कि देखो कैसा डमरू जैसा लग रहा है, ये बहुत ही ज्यादा अतरंगी लग रहा है। और दूसरा ये जो प्लाई बचा उसका ये बना दिया अलमारी, ये हमारे स्टाफ लोगों ने करवाया है और अपने लिए ही करवाया है, ये हमारे यूज के लिए नहीं है, उन्हीं के लिए है। तो ये जो मैट देख रहे हो ना आप, ये मैट मेरे कमरे में बिछा हुआ था, तो इस मैट का क्या किया, इसके पीछे लगा दिया। देखो यहाँ पे मैट लगा दिया, अब ये जूता रखने वाला रैक बन गया। बाकी एक बार ना घर के अंदर घुस के देखते हैं कैसा है। ये देखो नीचे सब कुछ वैसा ही है, लेकिन ऊपर में देखो कैसा है। ये हुआ है पैक, कैसा लग रहा है ये पैक। वैसे लकड़ी के करवाने का मतलब एक और फायदा होता है लकड़ी से करवाने से, कि कमरा ना गर्म नहीं होता है। तो मे बी वो रीज़न है या क्या रीज़न है मुझे पता नहीं, लेकिन ये लुक वाइज ना अच्छा नहीं लग रहा है। ये ऊपर में अंदर से तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बाहर से अच्छा नहीं लग रहा है। सरस्वती जी का विसर्जन हो रहा है, लेकिन उसमें सरस्वती जी है ही नहीं, खाली डीजे लेके जा रहा है। तो अभी शाम का 5 बज चुका है और कैमरा वाले भैया कैमरा लगा के जा चुके हैं। सामने देखो बड़ा सा पिलर लग चुका है कैमरे का, और दूसरा यहाँ पे देखो जहाँ पे भी कैमरा लगा है ना वहाँ पे कितना बड़ा सा बॉक्स लगा है। अब इस बॉक्स के अंदर क्या है वो मुझे तो पता नहीं है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। एक सीसीटीवी देखो यहाँ पे भी है। तो अभी देखो मैं क्या खा रहा हूँ, ये ना सारा जितना भी कुछ देख रहे हो प्लेट में आप, सब गुजराती माल है। तो अभी देखो क्या टाइम हो गया, 5 बज चुका है, लेकिन अभी तक कोई आया नहीं। उन लोगों को गए हुए लगभग 4.5 घंटा हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं है। और ऐसा लग रहा है कि अभी वो लोग नहीं आएंगे, उन लोगों को आने में लगभग 8 बज जाएगा, और तब तक ये वीडियो डालने का वक्त हो जाएगा। तो भाई अभी वो लोग चले गए हैं, तो मैं भी सोच रहा हूँ मैं कहीं घूम के आता हूँ ऑटो से। तो अभी मैं ऑटो में बैठ चुका हूँ इसीलिए, ताकि कहीं घूमने जा सकूँ। और ऑटो बहुत ही शानदार है, ये देखो ऑटो। ऑटो के अंदर हमेशा से यही लुक होता है, और ऑटो में क्या ड्राइवर भी नहीं है, तो मैं जाऊँगा कहाँ। ये ऑटो उनका है जो हमारी गाड़ी ड्राइव करके ले गए हैं। इन शॉर्ट ये ऑटो हमारे ड्राइवर साहब का है, लेकिन वो अभी ड्राइवर साहब तो है नहीं, तो मतलब इस ऑटो पे पूरा पूरा अधिकार मेरा है। तो अभी मैं जो चाहूँ इस ऑटो के साथ कर सकता हूँ। वैसे एक अकेला आदमी ऑटो के साथ क्या ही करेगा यार, इसमें घूमने का मन तो कर रहा है। बाकी यहाँ पे देखो मैं अकेले नहीं हूँ, 4 मेरे साथ हैं। अपने भारत में जितने भी ऑटोज होते हैं ना, उन सब में ऐसी तस्वीरें मिलती हैं। आज ना एकदम अच्छा खासा बोर हो गया यार, कब से इंतज़ार करते करते इतना वक्त हुआ, और उसके बाद अभी ऐसा लगा कि हो सकता है कि वो लोग आ जाए। तो अब ऐसा लग रहा है कि अभी आने में उनको उतना ही और टाइम लगेगा जितना इंतज़ार किया है। तो फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लेना, आज ही आया है जो हैप्पी सिबलिंग व्लॉग्स यूट्यूब चैनल पर। वो मैंने क्या किया था रात में, ये वाला खटिया है ना, इस खटिया को ले जाके वहाँ पर रखा था, और फिर मैंने 3-4 घंटा मेरा वहीं पे बिताया था। प्लान था मेरा 24 घंटा बिताने का, लेकिन 3-4 घंटा ही बिता पाया, क्योंकि और वक्त बिताने का मौका ही नहीं दिया गया मुझे। तो लगभग 4-5 घंटे पहले मैंने नोटिस किया था कि एक कप देखो यहाँ पे रखा हुआ है, और अभी तक ये कप यहीं पे है, तो इसको मैं ही हटाने वाला हूँ। ये कप अभी और कितने दिनों से यहाँ पे रखा है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस कप के अंदर क्या था, चाय था या क्या था समझ में नहीं आ रहा है। और ये कप रखने वाला या तो मंगल या तो पूजा, दोनों में से कोई एक है। तो अभी फाइनली सीसीटीवी सारा अच्छे तरीके से लग चुका है, सबका एक बार लुक देखो क्या क्या आ रहा है। पूरा का पूरा घर अपना कवर हो चुका है, इसमें पूरा एरिया, ऐसा कोई भी एरिया नहीं है जो बचा हुआ है।
तो अपने घर का कोना कोना यहाँ से आप देख सकते हो। तो अभी अभी मैंने कुछ बहुत ही खूबसूरत सा चीज़ देखा है, एक ऐसा चीज़ जिसका हम सबको साल में एक बार इंतजार होता है। तो वो क्या चीज़ है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। सामने देखो, यहाँ देखो, आम बहुत ही जल्दी आपको पेड़ में दिखने वाला है। 3 महीने में तो भाई देखना आम आपको पेड़ में लगे हुए दिखने वाला है, और उसके बाद तो आपको पता ही है क्या होने वाला है। वैसे आम शुरू होने से पहले लीची भी देखने को मिलेगा। लीची में मंजर आ गया या नहीं आया? आ गया है, आ गया है, ये देख आ गया है। नहीं यहाँ से कुछ खास नज़र नहीं आ रहा, लेकिन देखो, हाँ देखो आ गया है, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना। अब बहुत जल्दी लीची भी देखने को मिलने वाला है। तो घूमना फिरना काफ़ी हुआ, अब चलते हैं भाई साहब नीचे। एक ना बैड न्यूज़ है, मेरा ये मोबाइल ना ख़राब हो गया है। मतलब ये मोबाइल ख़राब हुआ या क्या पता नहीं, लेकिन ये ऑन ही नहीं हो रहा है यार। बहुत दिनों से ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो मैंने अभी चार्ज में लगाया है, लगभग 8 घंटा चार्ज में लगाया है, लेकिन उसके बावजूद भी ये चार्ज नहीं हो रहा है। ये मेरा लगभग 5.5-6 साल पुराना फ़ोन है, तो पता नहीं अब क्या होगा, इसको कैसे दिखाएंगे। ये देख रहे हो चार्जिंग का, ये पिन ख़राब हो गया शायद इसका। तो अभी उनके आने का और इंतज़ार नहीं करते हैं, इंतज़ार की हुई अब हद पार। तो हम लोग चलते हैं आज, और आपसे कल मिलते हैं दोबारा। आज का ये वीडियो करते हैं यहीं पे समाप्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।